हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो अब मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है एंड मैं अभी शावर लेके आ गई हूँ। एंड एज योर रिक्वेस्ट मैंने पहना है ब्लैक साड़ी एंड आई होप मेरा ये लुक आपको अच्छा लग रहा हो। एंड ये कॉटन साड़ी है और ये मेरी ना मोस्ट फेवरेट है। और जब मैं मायके से आई थी ना, तब मैंने ये वाली पहनी थी। और नहाने के बाद थोड़ा सा मैं करती हूँ अपने स्किन केयर एंड हल्का फुल्का मेकअप, जैसे काजल, बिंदी, लिपस्टिक, दैट्स इट। शावर मैंने ले लिया है एंड पूरी मेरी मॉर्निंग होम क्लीनिंग भी हो गई है। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं कैसे अपने घर की मॉर्निंग में साफ सफाई करती हूँ विथ फेस कवर, और बहुत टाइट फेस कवर करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज लास्ट अपलोडेड वीडियो है, मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस गाइस, मौसम के बारे में बता दूं तो आजकल मौसम काफी अच्छा है। कल से बहुत अच्छा मौसम है, हल्की धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है। बाकी अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों से तो बहुत ज्यादा मौसम बिगड़ गया था सच में। एंड मैं बताऊँ ना, मेरे सारे ब्लाउजेस वगैरह बहुत लूज होने लगे हैं, लेकिन गर्मियों में ना मुझे भी टाइट पहनना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जितना भी हो ना लूज ही पहनती हूँ। तो ये देखिए, ये ब्लाउज ये बहुत ज्यादा लूज है। एंड मॉर्निंग में इतनी ज्यादा आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, किसी के घर में कोई नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रही हूँ ना, मुझे भी ऑकवर्ड फील होता है यार। कोई बाहर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि यार इनके घर ये इतनी जोर जोर से सुबह क्यों चिल्लाती है। लेकिन आप लोगों के लिए ब्लॉग तो बनाना पड़ता है ना। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, पहले पूजा करके आती हूँ, तभी आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि फिर पूजा का टाइम निकल जाएगा, भगवान पहले, फिर आप सभी लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? तो एक रफली बन बना लेती हूँ मैं। तो गाइज, अभी मेरी पूजा हो गई है, मैं पूजा करके आई हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 8:15। एंड आप देख सकते हो मैंने पल्लू लिया है सर पे, क्योंकि पूजा करते हैं ना तो सर पे पल्लू भी जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पल्लू लिया है, आप लोग बताएगा पल्लू में कैसा लुक आ रहा है। एंड यस गाइस, यहाँ पर मैंने सिंदूर भी लगाया है, ये देखिए, एक मिनट। एंड यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने सिंदूर लगाया है। आपको कई बार बताया है कि जब मैं मेकअप करती हूँ तब मैं सिंदूर अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन यस, जब मैं पूजा करती हूँ ना तो हमेशा मैं मॉर्निंग में पूजा करते वक्त माता रानी को सिंदूर अर्पण करके, उनके चरणों में स्पर्श करके फिर ही मैं अप्लाई करती हूँ। एंड ये काफी शुभ होता है सभी सुहागन स्त्रियों के लिए, बहुत शुभ होता है। अगर आप सुबह सुबह पूजा करती हैं और सुहागन हैं तो प्लीज ये आप थोड़ा सा जरूर कीजिए, इसका ध्यान दीजिएगा। एंड जब भी आप पूजा करें तो ये एक काम करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुबह सुबह पूजा करते वक्त आप सिंदूर अप्लाई कर लीजिए अपने सर पर, तो उससे क्या होता है, आपका सुहाग भी अमर होता है, साथ ही साथ भगवान का एक बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है जो हर एक सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत शुभदायी होता है। तो ये मैं जरूर करती हूँ। और अब आप देख रहे हो काफी अच्छा लुक आ रहा है ना सिंदूर से। सिंदूर एक बहुत अच्छा लगता है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, चूड़ियां है, यही तो सुहागन स्त्रियों की निशानियां है। लेकिन कई लोगों को समझ में आता है एंड बहुत सारी स्त्रियां तो इसको वियर भी नहीं करती हैं, वो फैशनेबल लाइफ समझकर। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सदियों से चली आ रही है हमारे भारत में, और हमें उनको निभानी पड़ती है ना। तो बस यही है। और ये देखिए, रफली लो बनी बना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा सही कर दूं, देखती हूँ बन बनाना है या तो फिर पॉनिटेल, क्योंकि पॉनिटेल में यार बनता नहीं है, गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और फिर बाल खुले रहते हैं तो उस स्वेटिंग की वजह से बाल ना खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए आज, हाँ यार, आज सैटरडे था, आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया, कल करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ आज हेयर ऑयलिंग कर लूंगी एंड कल फिर मैं संडे को हेयर वॉशिंग करूंगी। एंड यस गाइस, आप लोगों की ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट होती है हैंकी टकिंग, तो वो आप सभी लोगों को करके दिखा देती हूँ। लाइट हैंकी है,
तो इस तरीके से टक कर देती हूँ। ट्राइंगल शेप में है, आयन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप बोलोगे मैम हैंकी आयन किया हुआ नहीं था, भाई मेरे आयन करके ही मैं रखती हूँ, क्योंकि कोई भी अपनी चीजों को अस्त व्यस्त नहीं रखेगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है घर में। तो बस, और अब मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो वहां पर जाके ब्रेकफास्ट बनाना है, कपड़े भी ड्राई करने के लिए डालने हैं, और फिर लंच में भी आज दो तीन चीजें बनानी है, क्योंकि मम्मी पापा की रिक्वेस्ट आई थी, और हम बहुओं का तो फर्ज है कि सभी की बात मानना, सभी की खुशी का ध्यान रखना। तो आज मम्मी की इच्छा है खीर बनाने की, और एक ना मैं स्पेशल सब्जी बना रही हूँ, कुछ यूनिक टाइप की सब्जी है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। वैसे मैं भी शायद ही पहली बार ही देख रही हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा इस सब्जी को क्या बोलते हैं। एंड मुझे तो इसको बनाना भी नहीं आता, तो मैं तो बेसिकली जो हम सब्जी बनाते हैं बस वैसे ही बना दूंगी। तो चलो चलते हैं किचन में। एंड यस गाइस, मैं टॉवल डालना भूल गई थी, पूजा करने के लिए चली गई थी, तो ये टॉवल भी मैं बाहर डाल दूंगी। अब फिर किचन में चलते हैं। और कपड़े जो है ना, उनको मैंने हाथों से ही वॉश कर लिया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने सोचा सुबह से वॉश कर लेंगे, तो ना क्या होगा ना, अच्छे से ड्राई हो जाएंगे शाम तक, तो दोपहर तक तो मेरे कपड़े पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाते हैं। मेरा काम ऐसा ही रहता है, मुझे ना कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस हाथों से वॉश किए थे, तो सोचा चलो हाथों से ही इनको ड्राई कर देती हूँ, फिर मैं फालतू फिर मशीन में डालो, मशीन में डालोगे ड्राई करोगे जब तक, तो मैं हाथ से फैला भी दूंगी कपड़े तो बस एक साइड मैंने कपड़े अच्छे से ड्राई कर रही हूँ, एंड दूसरी साइड मैंने चाय को पकने के लिए रख दिए, तो चाय भी पक रही है मीनवाइल। पोहे बनाने के लिए आई ना गाइस, तो देखा कि कंटेनर मेरा खाली है, तो सोच रही थी जो भी जितनी भी पोहे है ना, इनको मैं इसमें डाल दूं। एंड ये नया वाला पोहा है, मैं ये वाले पोहे यूज करती हूँ। एंड ये है वो कोहिनूर के, तो यही वाले पोहे मैं यूज करती हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी, तो इनको कट करके और मैं इसमें डाल दूंगी। एक मंथ के लिए तो हो ही जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैं ब्रेकफास्ट बहुत कम बनाती हूँ। सब्जी बना रही हूँ ना, इसकी मैंने गूगल पे रेसिपी देखी, तो इसको बोलते हैं लोटस करी, सॉरी लोटस रूट करी बोलते हैं। एंड ये जो कमल होता है ना पानी में, तो वो कमल की जो जड़ होती है ना वो ये है, एंड ये बहुत बेनिफिटेड होता है। एंड हिंदी में इसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं, तो आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा चलो आपके साथ वीडियो में शेयर करूं। जाता है
और ये जैसे कि आपको पता है पानी में होता है, तो इसको ना हमें पील करना बहुत जरूरी है। इसका जो ऊपर से इसकी जो स्किन है उसको निकाल देंगे और फिर अंदर अच्छा सा साफ स्किन बाहर निकल के आएगी। साफ हो गए हैं और इनके जो साइड्स है ना वो भी मैंने रिमूव कर दिए। तो इसको ना हमें इस तरीके से राउंड कट करना है। आप चाहो तो कितने आपको पतले साइज या बड़ी साइज जैसे भी आपको कट करनी है, लेकिन राउंड ही कट करना होता है, बीच से इस तरीके से कट नहीं किए जाते। तो मैं इसको इस तरीके से कट कर लूंगी। ये देखिए काफी आराम से कट हो रहे हैं गाइस। एंड इसका अंदर का टेक्सचर तो गाइस भिंडी होती है ना, भिंडी तो उसमें किस तरीके से हॉल होते हैं, सेम उस तरीके से है। मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट। ये देखिए है ना, छह बजे हैं और अभी मुझे टाइम मिला है। एक्चुअली हुआ क्या, शाम दोपहर तक ना काफी अच्छे से ब्लॉग सब कुछ चल रहा था, लेकिन सडनली एक ऐसी घटना हमारे साथ हुई है जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप सभी लोगों को। लेकिन मैं उस घटना से इतनी ज्यादा टेंस हो गई थी, मेरे घर में कुछ समथिंग प्रॉब्लम हो गई है। तो इसी चक्कर में, एंड वो प्रॉब्लम ऐसी है, दुख भी है एंड थोड़ा सा टेंशन लेने जाओ लेकिन फिर एक साइड लगता है नहीं यार, जो भी हुआ भगवान ने बहुत बहुत हेल्प की हमारी। मैं पता नहीं उस सिचुएशन को आपसे आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे अपनी जो मेरे घर की प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन समय आने पर वो प्रॉब्लम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोपहर में ना मम्मी का कॉल आते ही मैं इतनी ज्यादा टेंस हो गई थी। तो वो मैं आपको रेसिपी बता रही थी ना लोटस रूट की, एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं मॉर्निंग से इतनी खुश थी एंड मैं हर ब्लॉग में स्माइल करके ही आपके साथ बात करती हूँ। लेकिन कई चीजें ऐसी हो जाती है ना जो हमें अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है ना हमें अंदर से, कि वो चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकती। अभी कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग एंड मेरे हेयर जो है एकदम क्लीन है। हेयर ऑयलिंग करते टाइम हेयर क्लीन ही होने चाहिए। तो मैं यूज करती हूँ बेसिकली सेशा हेयर ऑयल, काफी अच्छा है। सेशा आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है एंड ट्रस्टेड बाय डॉक्टर एंड क्लिनिकली प्रोवन है। यू कैन यूज दिस ऑयल फॉर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की हेयर। तो इसको ओपन करते ही देखिए, पहले ना ये ब्राउन कलर ऊपर आता था, यहाँ भी ब्राउन हुआ करता था। आई थिंक ये न्यू शायद से है, अगर आपको पता है तो बताइएगा इस पैक के बारे में। तो इसको ओपन करते ही काफी अच्छा ब्रांड ने इस तरीके से पैक किया हुआ है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी लिक्विड चीज है ना जो कहीं से भी निकल सकती है। तो ये काफी अच्छा आइडिया है।
बस थोड़ा सा ऑयल मैं निकाल लूंगी। एंड यस गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है बहुत सारे फायदे मेरे चैनल को ज्वाइन करते। आप मेरे बिहाइंड द सीन ब्लूपर्स देख सकते हो एंड कुछ आपको यूनिक इमोजीज भी प्रोवाइड किए हैं मैंने आप सभी लोगों के लिए। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा चैनल एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो बस हेयर ऑयलिंग कर लूंगी और ब्रेड बना लूंगी। सो आप वीडियो एंजॉय कीजिए।